मानव अधिकार आयोग के जस्टिस एन के जैना आज इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पहुंचे, जहां उन्होंने कई मसलों की सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस जैन ने पुलिस अधिकारियों से मामलों को लेकर सवाल जवाब किए, साथ ही कुछ मामलों में उचित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। आयोग की सुनवाई में खंडवा रोड से एक वृद्ध दंपत्ति ने शिकायत करते हुए बताया कि जिस मकान में वे किराए से रहते थे, उसको खरीदने के बाद अब मकान मालिक उसको खाली करवाने के लिए धमका रहा है। वहीं 10 जनवरी 2018 को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के विद्यार्थी सुसाइड केस में अभी तक FIR दर्ज नहीं होने को लेकर आयोग ने फटकार लगाई। हमने आज से 10 साल पहले खंडवाना का संत नगर में बलवीर छाबड़ा हैं, उनसे मकान पे पहले किराए पे आए, फिर उन्होंने हमें बेचा मकान, बोले आप हमसे खरीद लो मकान। तो उन्होंने अपना कुछ पोर्शन हमें बेच दिया 5 लाख में 10 साल पहले, और आज उसकी कीमत 4-5 गुनी हो गई है। तो अब उनकी नियत में खोट आ गया है, तो अब वो हमें तरह तरह से सालों से 2-4 सालों से बहुत परेशान कर रहे हैं कि कैसे भी इनको परेशान करके और इनसे कब्जा खाली करवा लें फ्लैट का। मेरा नाम हेमंत जैन है। मेरे बालक ने स्कूल में फांसी लगा ली थी 10 तारीख को। मैडम और पुलिस प्रशासन के प्रबंधन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है, और मैंने कम से कम 9 जगह पे क्या बोलते हैं कंप्लेन करी है मेरे बालक की। बाकी ये पहली बार ही क्या बोलते मुझे मानव अधिकार आयोग से लेटर आया और मैं यहाँ पे आया। बाकी अभी तक मुझे कोई ऐसी संतुष्टि वाला मैटर नहीं मिला है, और हर चीज़ को इन्हें दबाई जा रही है। कुल मिलाकर सुनवाई के दौरान आयोग ने अभी शिकायतकर्ताओं को शिकायत को न सिर्फ सुना बल्कि मामले को गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News इंदौर।